हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ट्राई आउट चल रहा है हमारा दोबारा से, और फर्स्ट बार हम लोगों ने विन कर ली है। 39 स्टार्स इजीली हम लोगों ने स्क्वायर किए। तो चलते हैं अटैक्स की तरफ। पहला अटैक सुबहान ने किया था, और सुबहान जो है फाल्कन्स क्लैन का लीडर है, और सुबहान ने हाइब्रिड अटैक किया है इसके ऊपर। सो गाइस, अगर देखा जाए तो इस अटैक के स्टार्ट में ही सारी प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर पर अगर आप हाइब्रिड अटैक कर रहे हैं, क्योंकि सारे ट्रैप्स, एयर ट्रैप्स, बॉम्ब्स और आपका जो टोर्नेडो ट्रैप है, वो सारे के सारे टाउन हॉल के पास ही मौजूद है। इसलिए आपको पेनल्टी ऑफ बैलून्स जो है वो यूज़ करना पड़ते हैं। और अगर आपकी स्टार्टिंग में आपकी क्वीन बच गई है और आपके हीलर्स भी बच गए हैं, दो तीन हीलर्स बच गए हैं, तो उसके बाद बाकी अटैक आसान है। और बाकी ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है इस पूरे अटैक में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जो सीसी और जो हीरोज़ को जो है वो सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है कि नहीं कर लिया। सो गाइस, सेकेंड अटैक जो है वो एकेलिस ने, मैंने किया था, और हाइब्रिड अटैक है। हाइब्रिड अटैक में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी क्वीन वॉक है, और सेकेंडली जो आप फनल किस तरह का बनाते हैं कि आप क्वीन को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो देखते हैं क्वीन ने इस अटैक के अंदर क्या क्या किया। तो गाइस, देखा जाए तो इस अटैक के अंदर जो प्लानिंग थी ना, वो बहुत ज़बरदस्त रही है। यानी पहले एक फनल बनाया, एक जो पोर्शन था उसको क्लियर किया, उसके बाद सीसी को ट्रिगर किया, और लकीली हमें जो है वो ईगल भी मिल गई थी। और अब टाउन हॉल को लेना है, और टाउन हॉल जो है यकीनन, ओके आई गेस यस, टाउन हॉल को फ्रीज कर लिया था। सो टाउन हॉल को फ़ौरन फ्रीज कर लिया, और क्वीन के ऊपर दोबारा रेज यूज़ किया, तो आपकी क्वीन भी बची रही, और हाइब्रिड जो है बाकी वो सारा स्टार्ट हो चुका था। ईगल तो था ही नहीं, ना ईगल है ना टाउन हॉल है, तो यकीनन बेस ने 3 स्टार होना ही था। सो बहुत ही ज़बरदस्त अटैक रहा, एज पर प्लान रहा, मज़ा आया ये अटैक करने में। Thank you.
थर्ड अटैक जो है सामू कियानी का है और उसने भी हाइब्रिड अटैक किया था। बेस लेआउट और नॉर्मली आमतौर पे जाना जरा सेम ही हम कहेंगे, जैसा कि बेस नंबर 4 का था जिसके ऊपर सुबह ने अटैक किया था। लेकिन इसके अंदर का थोड़ी बहुत पोजीशन चेंज है डिफेंसेस की, लेकिन इसमें भी यही था कि आपको सीसी को कंट्रोल करना है और हीरोज को कंट्रोल करना है। इस अटैक में वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन ये कि सरवाइव कर गया था सामू। फ्री स्पेल सारे ही स्टार्ट में यूज हो गए थे, क्वीन की एबिलिटी भी यूज हो गई थी, इसलिए लग रहा था कि शायद ये अटैक फेल हो जाए, 3 स्टार ना हो सके। लेकिन सारी प्रॉब्लम सिर्फ स्टार्ट में ही, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी सारा जो अटैक है वो इजिली कैरी आउट हो गया था और 3 स्टार हो गए थे। वार्डन की एबिलिटी स्टार्ट में बहुत अच्छी यूज करी, क्योंकि बाद में ट्रूप्स स्कैटर हो गए थे, इसलिए बेहतर यही था कि एबिलिटी स्टार्ट में यूज करी जाए, और उसने स्टार्ट में यूज़ कर ली थी। इस तरह ज़्यादा ट्रूप्स को जो है वो वार्डन एबिलिटी ने कवर कर लिया था। ये अटैक पैका सॉरी जेटी बैट स्लैप है, वार्डन वॉक और एक जंप स्पेल यूज़ किया हुआ है। अगर हम जंप स्पेल यूज़ करें तो यकीनन बेटर ब्लिम यूज़ होगा, और नौशारा खान वाले वीडियो बना रहे हो टाउन ऑफ 14 की और वो जेटी बैट स्लैप अटैक ना करें तो हो ही नहीं सकता। दिस इज आवर फेवरेट अटैक स्ट्रेटेजी। सो सीसी के अंदर आप लोगों को ढेर सारे गोबलिन्स रखने हैं, आपका टाउन हॉल आराम से ओपोनेंट का टाउन हॉल जो है वो आराम से टारगेट हो जाएगा इससे। इस अटैक के अंदर पहले जो 2 फ्री स्पेल हैं वो एक्चुअली में जो ग्राउंड टारगेट एक्सपो था उसको फ्रीज करने के लिए यूज़ किया था इसने, ताकि आपकी क्वीन जो है वो जिंदा रहे। क्वीन ज़्यादा देर जिंदा नहीं रही, लेकिन ये क्या अगर वो खैर क्योंकि और कहीं ज़रूरत ही नहीं थी फ्री स्पेल यूज़ करने की, किसी ने वहाँ पे फ्री स्पेल यूज़ कर लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एंड में क्लीन अप ट्रूप्स ज़रूर रखने हैं। सो सीसी के अंदर 10 स्निकी और 15 नॉर्मल गोब्लिन्स हैं जो कि रखे हुए हैं। लास्ट अटैक फैज ने किया था और एयर अटैक, बहुत ही ज़बरदस्त क्लोन स्पेल जो इसने यूज़ किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया वैसे अटैक देखने में।
सो गाइस, तो ये थे हमारे आज के डे वन के अटैक्स, सितंबर सीजन, ट्रायो, सीडब्ल्यूएल, मैक्सियंस, नुशारा खान्स और फारकंस के। आई होप आप लोगों को ये अटैक्स पसंद आए होंगे। आप लोग भी सेम स्ट्रेटजी ट्राई करें, यकीन आप लोग भी 3 स्टार कर जाएंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।